ओम नाम से शिवराय शिवराय कोई जो ओम का सुमन करे शुद्ध आत्मा हो तो ओम ज्ञान के माथे बीच कैसे ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान सब कुछ है। ओम नाम सब शिवराय शिवराय ने कोई जो ओम का सुमन करे शुद्ध आत्मा मनुष्य साफ जाता है। ओम का सुमन ओम में टिकता है सिद्धि आ जाती है। जो ज्ञान था ऑटोमेटिक आता रहता कर कर गया था। नाम के बारे में था कि शिष्य गुरु के पास सेवा करी खूब खूब सत्संग सुने और सुन करके उसका मन साफ हो गया और उसमें पता लिया कि नाम ये सब कुछ कलियुग क्यों लेकिन नाम धारा श्रुति समृति संत मत सारा कलियुग के संतुल का सबसे तो ये नाम है। तो कल तो बताया था आपको कि नाम की प्रार्थना करता कि महाराज जी नाम दान दो मेरे को आप सभी समर्थ हैं वो हैं ये है वो ऐसा ऐसी प्रार्थना थी शिष्य की तरफ से। और फिर बाद में गुरु की तरफ गुरु कहता हुआ गुरु बताता है कि नाम क्या चीज़ है। तो कल तो बता दिया कि नाम का अधिकारी कौन नाम कहाँ कहाँ रहता है राम चौथे में रहता है क्वालिफिकेशन बताया था कल। और आज बताता है कि नाम है क्या तो उसमें बताता है कि नाम मिला तो सब मिला नाम है सबका सार है जो कोई सुमर नामनित व्यापन संसार दो शब्द हैं यहाँ पर एक तो समर एक सार। अब सम क्या सार क्या है कि वो तरह तरह की सब चीज लीला है और उसमें मैंने बता दिया वो परमात्मा खेल है। तो ये बुद्धि बन जाएगी तो जाए क्या आपकी उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो नाम क्या चीज़ है कि नाम केंद्र व्यापन ही संसार 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 व्यापन तो सम तो है क्या चीज़ वो दुनिया किसी सामने आती है और सार है आप यानी सब का सार क्या चीज़ है या सूरत है ना मेरा समझा नाम सबका सार जो कोई सुमरे नाम नित व्यापन संसार। अब व्यापन का मतलब क्या होया कि संसार जो जो कुछ लीला है खुले आँख तो सम नहीं व्यापता वो सामने सम आता सब खुली आँख से वो सम है सब कुछ और बना आँख से जो कुछ अंदर साधन करते हो वो भी आपको आप ही पैदा करते हो वो बना आँख से देखते हो वही से वो सम है वो साधारण वाली चीज़ नहीं और वो आप ही पैदा करते हो वो जो समंदर का सम है ना जो साधन करते हो तो बाहर का गुरु संस्कार देता है इसका मन को इकट्ठा करने का संस्कार देता है और वो संस्कार क्या देता है एक नाम देता है जैसे किसी को राम नाम बता दिया राम नाम करो जैसे उसकी कलर जैसा उसने किया है वो विचार देता है तो संस्कार देता है वो और वो संस्कार डेवलप होते हैं किसके सामने इसके सामने ये बोलना चाहिए सामने तो संसार है अगर उसको बता दिया संस्कार दे दिया कि अंदर की तरफ जाओगा बिल्डिंग का प्रकाश होगा और घंटे की शब्द सुनेगी फिर यहाँ जाओगा ऐसे चांद चांदनी होगी ये होगा ये जाओगे ये देखोगा सूर्य देखो वो देखो चांद तारे सब देखो ये आएगा ये आएगा। अगर ये बात नहीं बताई जाए तो कुछ नहीं पा सका आप अगर केवल ईश्वर बता दिया आप क्या कहते हैं राम राम क्रोध करते राम राम करते नींद आ जाएगी। तो बाहर का गुरु इसका फिर सत्संग देता है साधन के बाद में जो डेवलप है उसका सत्संग देता है कि क्या चीज़ है तो उसको फिर आगे स्टेज करा मतलब ये मन को इकट्ठा करके और आपको अंदर का सम बताता है अंदर का और सार कौन है आप हैं जो देखते हैं वो है। तो बाहर का गुरु जो संस्कार नहीं देगा कुछ नहीं व्यापेगा बाहर के गुरु की महत्व तो समझ लो आप कि पहले दर्द यहाँ जरूरी है वो संस्कार देता है और संस्कार से मन इकट्ठा करने का तरीका बताता है और उसको विश्वास कर ये करेगा तेरे को तकलीफ नहीं होगी तो राम राम करेगा तकलीफ नहीं होगी मुसलमान को बता दिया कि तो अल्लाह करेगा अल्लाह तो तेरे को कुछ नहीं तकलीफ नहीं होगी। तो वो जब नाव करता है इस इकट्ठा तो उसका मन इकट्ठा हो जाता है इससे और मन इकट्ठा होकर के या सूरत इकट्ठी हो जाए मतलब फैली हुई नहीं है और इसके सामने जो कुछ आता है वो सम आता है वो है नहीं वास्ता सबका सब और आप पैदा करते हैं उसको आप तो ये सार है ना ये सार पैदा करता है। तो सार क्या चीज़ है और सूरत आप खुद वो आपका रूप हो इसलिए वो क्या है अकय पार अगाधनान जो ईश्वर गुण है उसमें सूरत अकय है कुछ कह नहीं जा सकता सूरत बता दिया समझाने के लिए किसी को होश बता दिया चेतनता भी बता दी सहन में बता दिया ये और मैं कहता हूँ चीज़ आपके अंदर है मैं कहता हूँ आप ईश्वर हो डायरेक्ट ठीक है ना और उन्होंने कहा तो है समय उस रामायण में लिखा है कि जीव अविनाशी जीव तो सब है हाथी में घोड़े में कीड़ी में सब है जीव तो कहता है जीव अविनाशी है उनका अविनाशी नहीं उसका अविनाशी नहीं है वो सूर्य किरणों से बनता है वो बनता है तो इसका भी जीव तो उसका उसी से बनता है
जीव अभी जो जीव कौन सा जीव अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, नाश किसी चीज़ का नहीं होता, ये बोलते इसका नहीं होता, और ये उसका अंश है उसको वो जिससे सब कुछ बनता है, उसका डायरेक्ट अंश मनुष्य यहाँ पर है और वो ही खेलने के लिए आ रहा है, वो ही सब खेल खेलता है अविनाश। तो अंदर जो साधना आपका आता है राम का कृष्ण का देवी का, वो सब आप पैदा करते हो, वो भासता है आपको, वो हमेशा नहीं, वो आप पैदा करने वाले, आप समझे नहीं, तो बताया कि सब कुछ आप हैं, हरीश्वरंश हैं, तो आप पता करते हैं, आपको पता नहीं, पर गुरु ये सर ये बातें करते हैं, आप फिर बता देगा, फिर करेगा नहीं भागे, इसे वो भेद जान तक रखता हो, ठीक है कि जीव की सूरत को निकालना इसे बिना प्रेम के बिना इसके निकलेगी नहीं, या तो वैसे मन इकट्ठा होगा इधर भय के साथ चमत्कार हो जाएगा, आप घबरा के कुछ वट टूटो उस टाइम पर आ जाएगा और वो मदद कर देगा, जिस रूप में आ जाए राम को मानता राम के रूप में, देवी मान देवी आ जाएगी, बालाजी मानता बालाजी आ जाएगा, जो कुछ मानता पितृ मानता पितर आ जाएंगे, पितर किसी देखे पितर बुजुर्गों कहते पहले जगह ये तो पितर नहीं आते, वो संस्कार दिया उसको वो आ जाते और वो मदद करते। पर ये है क्या, ये सम है सारा आप है, मैं नाव बता रहे होंगे नाव है क्या, नाम मिला तो सब जाना हो, सबका सार है, नाम मिल गया तो ये क्वालिफिकेशन आ गई, क्या चीज़ आ गई कि जो अंदर देखता उसकी तरफ मोहित होती नहीं होता, न वो नाम रूप के पीछे दौड़ता है, न वो शब्द के पीछे दौड़ता है, न वो प्रकाश के पीछे दौड़ता है, सब दौड़े तो छोड़ देगा तो वो अपना निज रूप में ठहर जाएगा, सब छोड़ देता वो, ये सबका समय पैदा करता हूँ, ये सब का एंड करके वो यहाँ पर जो पूछता है निधर सब छोड़ देता, ये समझ, और बाहर की दुनिया से सिम्बोल नहीं करेगा, क्या करेगा कि दुनिया को देखता है और वो सोचता है कि उसी का खेल है, वो खेल रहा तो उसको एब नहीं देखेगा, उसको गुडनेस ही देखेगा, क्या देखा सब उसकी लीला, तो एक चोर बजादार चोर नहीं समझेगा वो, उस परमात्मा चोर का ड्रामा करेगा, कीड़ी छोटी है बता रहे हो हरियाणा शैली बताया उन्होंने, तो वो आखिरी प्रसंग वो बताया, और भाई ठीक रह जाएगा हमेशा ये सब देख देता है, बार बार मीश्वर लिखा है तो अपने काट दिया मुझे भाई ये सब काट दिया और क्या क्या उसको मैं कहिए तो बोलिए तो शुरू से लिखते आ रहे हो, मैं कह मैं शुरू से जीवन मुक्त हूँ, मेरे अंदर बहुत आते साहब ना रहते नहीं, नीचे ही बात समझाता हूँ और बीच में मुँह मार देता हूँ और बीच एक शब्द कह जाता हूँ, शुरू से अवस्था मेरी थी मैं ये होता हूँ ग्रेजुअली नहीं हूँ शुरू से ही, तो कभी तो मन का मंडल की बात कर देता हूँ, कभी आत्मा मंडल की बात कर देता हूँ, और कभी शुरू शब्द की बात करता हूँ, और कभी जो आखिरी मंजिल उसका कह देता हूँ, तो ज्ञान सागर में वो सब दिखाता हूँ कि इसके सिवा और कुछ नहीं, तो नाम मिला तो सब मिला, सब कुछ मिल गया, क्यों कि आपको अपना पता चल गया, पता आपका चल गया तो मनुष्य अपना पता चल जाता है, फिर सब कुछ आ जाता है कि मैं हूँ क्या, और ये क्या चलेगा साधन से, और फिर इसको बताएगा कौन बाहर का गुरु जिसे संस्कार दिया था, वो कहता है सब तृप तृप करें पैदा करें, वो शब्द शब्द है वो सार नहीं है, वो कहते तू पैदा करता है प्रकाश रूप तू पैदा करता है और प्रकाश तू पैदा करता है, तू नहीं हो तो कौन सुनेगा, रूप कौन बनावे आप बनाएंगे, प्रकाश कौन देखें आप देखेंगे, ये क्वालिफिकेशन बता दी कि वो ब्रह्मचारी सत्य प्रकाश आएगा नहीं तो खोपड़ी फटने लग जाएगी आपकी, तो जोर मत लगाना साधने का जोर मत लगाना, शायद कर लेना आप देख चल गया आज आगे ठीक बहुत करने आया कोई बात नहीं, कि वो सारे सार आप हैं, सार आप जो बोले ये चीज़ है, तो नाम मिला तो सब मिला, नाम सबका सार है कि कौन है सार कौन है आप बोलना चाहिए, और जो कोई सुमर नाम नहीं जो याद रखे नाम को तो व्याप्य नहीं उसको संसार संसार संसार, तो सार तो आप है और समझो बात वो व्यापता नहीं, बारह देखता तो उसकी तरफ ये नहीं घटा मेरे बारे में सब लीला उसकी है, और उसकी दृष्टि क्या बन जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है और समझ रहते रहो, ये कहीं को कमजोरी की बात ही नहीं आती उसके सामने, तो लीला देखता हो लीला वो कर रहा है, और दो एक लड़का रखिए जो लड़की बार बार उसकी तरफ देखती है खुश होती रही है, आप देखते हो एक्टिंग देखते हो कि भाई उद्धा आदमी इस आदमी हम ये करता है और वो लीला कर रहा है, तो उसकी लीला समझेगा कि वो नमसी लीला है उम्र इसकी करेगा, क्योंकि उसको मतलब बुरा नहीं समझेगा, किसी चीज़ को बुरा नहीं समझा, जो को समझता उसकी लीला समझता, और ये बात कौन बताएगा बाहर का गुरु बताएगा,
जब आप आखिरी मंदिर पर चले जाओगे इधर से जैसा कि बेहोशी में चले जाओगे और बेहोशी से जब होश पाओगे तब वो बताएगा कि तू जगह ये जगह असली, यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म। क्यों? कि तू उसके अंदर मिल गया, बूंदी पानी मिल गया, हर जगह ज्योति थी तो ज्योति मिलेगी, किली थी ज्योति मिलेगी। और ये मंदिर है, ये बाहर का गुरु था, फिर बताएगा आपकी ऋणी कैसे हो, वो बताएगा आपको, वो बताएगा अब जो तुरंत है तो शिवाय उसके और कुछ देखना नहीं, वही है सब जगह। तो भी उसको बाहर के गुरु ने संस्कार दिया, सत्संग दिया ना, देखता सो और कुछ है ही नहीं, उसका खेल है सब, समझ को अलग नहीं देखते हो, कुछ व्याप्ति नहीं, वो उसी ही लीला सब। अंदर जाते हो जो रूप प्रकट होते हैं वो उसी को देखते हो, और अंदर जाते हो और प्रकाश आता वो ठीक उसी का होता है, अंदर जाते हो सब जाते हैं उसी का। तो जब साधन करता नहीं तो प्रकाश रूप के पीछे दौड़ता है, रूप आता है कोई बात आती है वो उसको दौड़ता नहीं है, समाया सब। और नहीं वो फिर अगर प्रकाश के पीछे दौड़ता है, और नहीं वो अगर जा करके शब्द के पीछे दौड़ता है, सब एंड हो गया ना यहाँ पर। तो फिर उसको सत्संग बाहर का गुरु देगा भी, अगर गुरु गुरु नहीं देगा तो मुक्त नहीं होगा। अगर खुद करते मेरे कोई बोलते मैं आज ये करता हूँ वो करता हूँ, पर कौन समझ कह रहा समझ आया नहीं, सत्य कह रहा भी शब्द को साथ साथ सत सत्संग नहीं मिला, सत्संग से वो ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान भूल जाता है आदमी, रोज़ रोज़ का सत्संग और साधन दोनों नहीं करता तो खुशी मिला, साधन साधन करे क्या नहीं लेगा, एक जगह टिक गया उसका ख़त्म, आगे चलेगा नहीं वो। तो सत्संग जरूरी है, और सत्संग वो देख लेता कि हमेशा रूप रूप आता है इसको, रूप सब कुछ करता सीधे आगे, 10 साल से रूप रहता सीधे हम रहता, तो उसको बाहर का गुरु सुटाएगा कि कितने साल से कर रहे हो, कितने साल से मैं ये कर रहा हूँ, रूप आता गुरु जी का ये बताएगा, रूप तुम आप बनाते हो, वो सुटाएगा। ये बात तीन चीज़ हैं, पहले तो शिष्य जरिए सार इससे को सही है, और फिर गुरु, और फिर उसके रणी, ये तीन चीज़ें थी। कणी कणी है तो कोई बात नहीं, तो भाषण भाषण देता कुछ नहीं, उस भाषण में रहने वाली बात है, मेरी रहनी है, हो सकता सब गलत हो, कि मैं कहता हूँ बाहर से कुछ नहीं आता, अरे मैं गलत हूँ तो मेरे को माफ़ कर देना, जो महात्मा कहते हैं मेरे कृष्ण आता राम आता वो ठीक है, वो इसे वो प्रकट करता है। तो इस बात को मैंने जाहिर करने के लिए मीठे शब्दों में बता दिया, और मेरे गुरु महाराज हमारे डंडे सीधे डंडे मार के बताया है, कहते तुम्हारी दूरी कहाँ गई, तुम गुरु का पूरी उम्र ध्यान करते हो, लाल सिंह सुनता है, अरे दूरी कहाँ गई, दूरी को दूर कर, दूरी मैंने दो चीज़ समझता है, गुरु को अलग समझता है, आपको अलग समझता है, वो तुम पूरी उम्र ध्यान करोगे गुरुदा तो तुम मुझे नहीं पूछ सकती, क्यों अगर मूर्ति के साथ आगे नहीं जा सकते, तुम क्यों नहीं जा सकते, ग्रेविटेशन लैंड जो नीचे खींच लेगी दोनों, तो मूर्ति को छोड़ोगा जा सकता है और जाके उसके, तो फिर एक आदमी सवाल करता है तो फिर गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए, बोला नहीं बताते गुरु का ध्यान जरूर करना चाहिए, गुरु का ध्यान नहीं करते गुरु की मूर्ति शाह है क्या, तो इसको कुछ नहीं समझा था जाएगा नहीं वो। अब देखो पहले तो बताया ना कि गुरु का ध्यान दर प्यारे बिना इसके नहीं छुपना, तो पहले दर्जन जो ध्यान नहीं करता है वो गुरु का मन इकट्ठा ही नहीं गया उसने, तो क्या बताएगा वो, दर्जा बच्चा पहली क्लास पास नहीं करी सीधा पीएचडी कैसे करेगा वो, दुनियादारी इसी हिसाब से कि पहले उसको कैमन का उत्तर खैमन खरगोश, तो पहले जो गुरु छोटे छोटे आश्रम नहीं बढ़ाएंगे, कुछ बैठा नहीं बताएंगे, सुनना नहीं बताएंगे तो नहीं होगा, तो सभी गुरु को सबको दंडवत प्रणाम, जो आज तक महात्मा ये सब का कमी नहीं काटते, उसने ऐसे कहा वो ऐसे कहता ये कहता पहली क्लास वो कुछ नहीं, मन का कुछ नहीं आया कुछ नहीं, वो है कुछ सब कुछ अपनी जगह, ये नहीं कह सकता कुछ नहीं, वो धन है। तो सबसे पहले जो आदमी अच्छा होता है वो ये रहता है ना, गुरु का ये है, गुरु का दंडवत करूँ प्रणाम करूँ पहले नमन करूँ फिर ये करूँ, ये बात आती है, वो बिल्कुल सही बात है कि गुरु का बदला दिया नहीं, ब्रह्मा कहता ने कि बदला तो दिया नहीं चाहिए, दंडन करोड़ दिया मन की रात मेरे को इतना ज्ञान दे दिया कि नहीं, बस उन्हें तीनों लोकों में तीनों लोकों में जो मैं देख रही हूँ उसका बदला उतार, क्यों कि जो धन था वो मेरे को मन की नाथ करोड़ दे दिया, करोड़ से बड़ी जीती थी करोड़ दे दिया। तो ये महिमा है गुरु की, इन गुरु ने ज्ञान की महिमा है, गुरु नाम ज्ञान का है आदमी का नहीं है, पर वो ज्ञान देगा आदमी के रूप में ही, एक राम दशरथ का बेटा तो दशरथ बेटा ही ज्ञान देगा, वो ज्ञान हमारे जैसा आदमी आकर के, और एक राम घटघट में बैठा ये उसी का अंश है उस मालिक, और एक राम का सकल सारा
ये सूर्य जो इसका सकल सारा जीव जंतु सब कुछ बढ़ता है, हमें भी हमारे भी जीव है हम, क्योंकि हम जो सूर्य किरण से अन्न खाते हैं तब हम घूमते फिरते हैं, ये हमारा में तीनों चीज़ है इसमें जीव हम ईश्वर से जीव अविनाशी, तो कीड़ी अवश्य हम भी जीव हैं, तो शरीर मन और आत्मा में रहता है वो जीव है, वो जीव है उसका दुख से व्यापक शरीर का दुख आएगा, मन का दुख आएगा और जो चीज़ों का दुख आएगा उसको आनंद का भी दुख आएगा, आनंद नहीं आएगा दुखी हो जाएगा, तो इनको छोड़ के जो शुद्ध बोलने वाली चीज़ है ये तो भाव केंद्र शरीर मन आत्मा, तो भाव में तो दुख सुख आएगा बिल्कुल, श्रीधारी को तो कोई तकलीफ होगी, असमता जाएगी, खाने में जाएगी आ जाएगी, हर मन का मन से हमेशा अच्छा नहीं रहा, पॉजिटिव घड़ी घटिया आएगा दुखी हो जाएगा, मन बिगड़ता तो और आनंद नहीं आएगा तो दुखी हो जाएगा, तो ये तो है भाव केंद्र, जब तक इसमें रहता है तब तक भाव में दुख आएगा उसको और दुख सुख व्यापक है सब, और इनसे निकल जाता निकले को सूर्य बोलने वाली चीज़ है वह भाव से पार है, वह भाव में नहीं है, इस संसार सागर में नहीं है, दुख तो नहीं आत्मा में रहने वाले में और उसमें वो उसी में डल जाएगा, सुख किसको आनंद ही आनंद है, सिर्फ आनंद ही शौक कुछ सदा रहने वाली बात नहीं है, वह चेंज होती रहती है, बड़े बड़े योगी महात्मा होते हैं वो फिर बाद में वो उठिया काम कर देते हैं, सभी आत्मा में रहने वाले आत्मा रहने वाले तो बढ़ाते ही आश्रम श्रम सिद्धि आ जाती है, और वो जब अशुभ कर्म आ जाते हैं तो वो घटिया कर बैठते हैं, घटिया कर व्यवसाय करें, तो आत्मा जो है वो आनंद की चीज़ है और वो एक लोक है, इधर इसके अंदर भी है यहाँ पर अनुभव करने के लिए मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य में सब कुछ है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, तो मनुष्य उसका ही असर है, और मैं कल आता हूँ किताब देखने लग जाता हूँ कभी कभी, और मैं सोचता हूँ हरान है ये बात कैसे लिखी, तो मुझे समझ में आ गई कि ये पुस्तक जब लिखी उस वक्त मैं उसकी तरफ खींच गया, एकाग्रता यहाँ आ गई और सर सर ये ज्ञान का केंद्र है, और जितना लोग काम करते हैं वो इधर इधर इकट्ठे हो जाते हैं, दुनिया के काम में भी और अध्यात्म में भी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उसको ज्ञान आ जाता है, समझ आती है, विवेक अपना आप हो जाता है कि सही है नहीं है लिखता रहता, अब वो कप्तानी कहती है तो आपके पास इतना आदमी आया कोई भी भगतानी थोड़े दिन रहते फिर चले जाते हैं, यहाँ पे ठहरते नहीं चले जाते हैं, तो मैं किताब लिखो थोड़ी सो ज्ञान पढ़ी देता हूँ उठा करके, और पढ़े मेरे को गया ज्ञान, जो गुरुवाई करना चाहती हूँ मैं फिर आऊँगा दोबारा वो काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो आदमी की नीयत गिल बरकत है, तो मैं आपको क्या चीज़ बता रहा था, नाम है सबका सार, एक तो समसार है, सम तो है जो चीज़ जितनी भी आपका आँख के सामने दे आती है पहले बता दिया, और सार क्या चीज़ है, सार वो है आप बोलने वाली चीज़, और ये कौन है, ये उसका अंश, इसे सकल सागर है कि ना, तो इसका बयान कर सकते हो ना, परमात्मा गुण है वो इसमें है, अकय अपार अगाध अनामी, तो यह असुर अकय है अपार है अगाध है अनामी है, समझाने की कोशिश करिए, रामायण में कह वो वेद वेद बताया है, कई स्वर्ण जीव अविनाशी चेतन विमल सह सुखराशि, सुखराशि है गई हो तो तकलीफ या सो माया बस में देखो साई, जो चीज़ नहीं है उसको सत्य मानता है, आप विभिन्न वर्क देखिए बांधा नहीं इसको, आप इस बंदे से हाथ दे देता गड़े का मैं सीधा करी और मुट्ठी बैठ लेता, देते वक्त सेकंड दे देता चला गया और हाथ से मुट्ठी बैठ ली, अब बंदर को मुट्ठी खोलने का पता नहीं है, जब कोई आता तो वो देख गड़े साथ साथ घूमता है, इसी तरह आदमी दुनिया मेरा घर मेरी बन रहा है एक चीज़ का नहीं, और सतगुरु बंदर काटना है हरी को कटवाना चाहे कहीं कुछ है नहीं भाजता थे वो, चार दिन के भोगो और मजा लो जिंदगी का खेल है खूब खेलो, पर यह है खेल साधारण होना चाहिए, वो सार समझा देता, तो समझिए ना नाम सबका सार है और वो सार तो है आप, और समझो कुछ आपके सामने इस दृष्टि से आता वो आप देखते, जिससे आपका एंगल है देखने का बस ये देखते, अगर चोर हैं तो आदमी को चोर के ख्याल होगा कि सारे चोर हैं सब, ठग हैं तो सब ठग है सब, समझा कि नहीं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सृष्टि वो नहीं है जो हम देखते हैं, हम जारी नजरिया है ना हमारा विचार है बस ही मुझे नजर आती है सबसे, तो आज नाम मिला तो सब मिला नाम सब का, क्यों कि फिर उसको संसार नहीं बाप बापता है, ये नहीं समझता कि ये क्या चीज़ है, ये वो उसी का बाहर का गुरु सत्संग देता है कि बाहर देखता है ये माया सब है नहीं, बात सती है नहीं तेरे को नजर आती है, और जो तेरा समझता है वो भी ठीक है, वो सत्संग देता है थोड़ी देर में हवा निकलेगी बाद में उड़ जाएगा सब, अब उसके समझ आती नहीं बात, मेरा 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 मेरी घड़ी है मेरा ये है मेरा ये है मेरा ये मेरे पास ज़मीन है लैंड डालू इतने प्लाट है इतना ये है इतना इतने इतनी कोठी है, तो मैं इतनी कोठी इधर अगर कहा रहा है एक अंग्रेज कहने लगे बोले मेरा मुक्ति में कुछ तकलीफ नहीं है,
एक बूढ़े मेरे पास जंगली आपने बोले वो मेरी मुक्ति केंद्र है कि वो उसे मेरी नज़र रहती है वो बूढ़ कैसा भी है क्या संभाल लो। फिर ऐसे अटैचमेंट तो बढ़ाया हमने मेरा समझा रहे वो बोले मेरी मुक्ति में रुका उठा। तो जो आपने मेरा समझा फिर अगर सदामर होना है तो बाहर का गुरु बताएगा आप कि जो काम तो तू करे पर तेरा मत समझ। ये अभ्यास कराता है चारों पत्तियों खर पत्तियों से उसने कराया ना मेरे कबीर ने धर्मदास को। धर्मदास को बहुत माया थी पर सब माया पर भी लुटाई फिरा दिया माया दिया गरीबान सन बटिया और वो इच्छुक था इस चीज़ का तो साहब कुछ बांट फूट के चला गया बोले आ गया बटिया अब ठीक आ जा मेरे पास। तो माया उसका बंधन था तो कहा तू ये बंधन काट दे और वो अधिकारी था कि मेरे को चीज़ मिले ठीक विश्वास था कबीर में उससे बांटे और फिर आई काम करा। अगर जब कबीर तो गया तो उसको बनाया गया गुरु आपकी जगह तो सब अटैचमेंट उसने गिरा दी थी और वो गुरु पर रहता था और कभी ज्ञान देता था बोलता अरे तू मेरे ज्ञान देने के लिए आया धर्मदास देने के लिए आया मुझे तो जाते वो शुरू हो गया तो धर्मदास को गुरु बना के गया। उसके चेलों में कितने चेले थे सब चेल धर्मदास को ठीक है ना। तो आज का सत्संग नाम मिला सब कुछ मिला सब कुछ का मतलब नाम सबका सार है सबका सार है आप सब चीज़ों का सार आप ये बोले या चीज़ है। तो इसका शकल क्या है कोई शकल नहीं कोई रूप नहीं और आदमी इसके बारे में सब अज्ञानी। राष्ट्रपति को पूछ लीजिए बोले वो के कितने बड़े विद्वान को पूछ लो किसी को पूछ ले तो कि बोलना चीज़ के है तो वो तो है ना तो वो तो बोले कि आवाज़ आती है बड़े शेर आवाज़ आ जाती है उसे इसका पता नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ आ जाती है कि सब कुछ है मुक्त है कोई बंधन नहीं। दो चीज़ बताई मैंने सत्संग सतगुरु और एक जिज्ञासु समझे कि नहीं। एक तो सत्संग और दुख किस बात का है दुख का कारण क्या है तो कारण बताएगा और फिर उसका इलाज बताएगा। दुख का कारण रेडिएशन का बताया ना मैंने सिर्फ इतना और उसका फिर इलाज इसका सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है बात खत्म। ये बात समझ आ गई मैं खत्म। तो मैं सत्संग चीज बताता हूँ तकलीफ़ क्या है उसका कारण क्या है इलाज क्या है तकलीफ है क्या दुख मानते हो तुम दुख है क्या मन के अनुकूल हो गया तो सुख। अब जब प्रकाश देखते रहते मन का अनुकूल ही अनुकूल बातें हैं उधर कहते मेरा बाबा स्वर्ग में चला था तो प्रकाश में आगे रह गया मंजिल पर नहीं पूछे वो स्वर्ग में सुख है उधर केवल सुख ही सुख है लेकिन जिसने सुख नहीं मिलेगा उन्हें उसी में दुखी हो जाएगा। लेकिन वो मंजिल पर नहीं गया वो सुख में ही डूब जाता है फिर बता रहे कि पता नहीं को संत की आत्मा जाएगी उसके साथ जाएगा ये पता नहीं मुझे गया मैं तेरी बातों को मानता नहीं हूँ ठीक है ना। तो आज का सत्संग ऊंचा कराया हमने आज का सत्संग बोलते पहले तो नाम की प्रार्थना थी और आज नाम है क्या नाम क्या चीज़ है नाम है दो चीज़ बताई कि मिल के दो हैं संसार संसार तो सार तो आप हैं और सम जो चीज़ जितनी रहती वो बाहर अंदर और मुख्य चीज़ कौन है सतगुरु अनुभवी। अगर अनुभवी सत्संग नहीं देगा तो ये बात वो समझ नहीं आएगी वो बार का संस्कार देता है वो समझाता है तब जाके आदमी मुक्त होता है। तो सत्संग आखिर तक है सतगुरु आखिरी तक जरूरत है और वो इच्छुक है उसको अपना मिल जाता है समझा कि नहीं बात। तो ये आज आपको मैंने नाव के लिए बारे में बता दिया बिल्कुल तो बताया नाम क्या है अधिकारी कौन है कहाँ और आज बता दिया है क्या वो सबका सार है कौन है आप बोल रही हो वो है आप और बाकी सब क्या सम है जितनी चीज़ याद नजर आती सब सम है नासमान है नास नहीं है इसका नहीं है ये बोलने वाली चीज़ का क्यों कि उसका अंश है ईश्वर का नाश नहीं होता तो ये ईश्वर का अंश से काम करता है आगे समझ काफ़ी है बात। नाम तो इधर से चला नहीं तो पहले यहाँ पर से इधर आया सतलोक में और सतलोक को छुटा के गुरु आगे ले जाएगा प्रकाश को छुटा के तो प्रकाश को छुटा के ले जाएगा तो वो जा करके इधर यहाँ पर इधर अलग प्रसाई ठहरिया अलग का मतलब कि वो लख्या नहीं जा सकता बताया नहीं जा सकता अनुभव का सब्जेक्ट है यानी वो कई बताए नहीं सार शब्द है राम नाम है ये जो सुनता ना सार शब्द ये सुनने वाली चीज़ तो है सूरत और वो जो होता है वो है परमात्मा वो ईश्वर वो ईश्वर ईश्वर है और वो चलते चलते यहाँ से फिर ऊपर चलेगी यहाँ जाएगी अगम में और अगम से फिर जो चलेगी तो इधर यहाँ अनाम में गायब होगी अनाम होगी। नाम आपको बोल रहा है या एक ऐसी चिंगारी है
जैसे है वो उसका अंश है, तो नाम ये चीज है, इसका है सब कुछ खेल ख्याल। नाम जब आप इसके अंदर इसको खोदोगे ना तो नाम मचलेगे, नाम मतलब ईश्वर में मिलेगी, ईश्वर मिलने के बाद उसको आगे जवाब मतलब बदलो। जब तक अलख में कोई नाम नोम नहीं है, अलख मत किसका नाम, वो तो आ गया, नजदीक आ गया, रास्ते पर आ गया, वो आगे चलेगा, वो जो सार शब्द सुन रहे अलख में वहाँ नहीं पहुँचे, वो नाम नहीं मिला नहीं, वो तो नाम तो मिल जाए इसको चल जाए वो, पर ये जाके नाम खत्म होता है तब उसमें मिलता है, तब मिला राम निज रूप को जान लेना नाम है। उसको जान लेना है, जानने क्या भूल, सब क्यों भूल जाने का नाम ना हो, सब कुछ भूल जाएगा। गहरी नींद की स्थिति में क्या करता तू, ठीक है जी, मैं मिसाल देता हूँ, गहरी नींद में से कोई जाता हो, कोई वास्ता, कोई चीज, कोई चिंता फिक्र है, कोई चीज हुई है, तो उसे मिल गया आप उसमें उसके अंदर पवन की पवन में मिली गई, पवन फर्ज करो जो कहीं पवन आती है ना, वह ऑक्सीजन अलग है, वह दूसरी अलग है, तो ऑक्सीजन मिल जाती है और वो आती है, हम छी 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 करते हैं तो वो उसके अंदर मिल जाएगी, उसका रूप बन जाएगी, अरे उसको खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ईश्वर में मिल जाने का नाम ही नाम है, ठीक है। एक सवाल और, हाँ बोलो। आप 1956 में गए महाराज जी के पास, हाँ, और पहले दिन ये शब्द प्रकट हो गया, हाँ, और फिर 5-6 साल बाद आपने यहाँ जाके गौतम भूल गए, शब्द भी खत्म, यहाँ पहुँच गया, बैठे बैठे बेहोश चला गया। 1956 वाला नाम था या जो 5-6 साल बाद घटना, वो जो रास्ता तो वो था 1956 में मिला, वो रास्ता वो था, रास्ता था नाम के बंधाने के लिए, वो नाम जो था ना, नाम में जाने का नाम रास्ता था, क्या था वो शब्द था अंदर का, राम नाम था, और जो सुनने वाली चीज थी उसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच होगी साथ उसमें मिलने के लिए, और मिलने के लिए अटैच हुई तो फिर यहाँ से अलग से चल के वो अगम में पूछी, और अगम का क्या चीज़ है, कोई लोक है उसमें भी कोई डीला होगी, मैं तो देखी नहीं, और इसके बाद जब छोटी वाली मिलगी उसमें, अरे वो पूरी होगी, मिलगी प्रभात और बनेंगी, वो मेरे बेहोशी में गया, वो होता बेहोशी में गया, दूसरी मिल गया, मैं सोचा रह गया नहीं, वो सोचा या नींद में सो रहा है, भजन जी बात क्या आया मेरे पास में, तो उसने फिर मैं सोचा यार आज क्या हुआ, यही बात आज हुई के तुम बैठे बैठा ये बेहोशी में चला गया, क्या हुआ, बोलता पूर्ति मन फिर हुई, तो वह गहरी नींद समझे उसकी जैसी हालत थी, तो मैं गुम हो गया, और फिर बात पूछने के लिए मैं महाराज जी के पास गया, अब महाराज जी के पास गया, बोले तुम मंदिर आ मंजिल है, आखिरी तेरे को कुर्सी में बैठे बैठे आई या अवस्था आखिरी, और या तेरे को अंत समय में यही आ जाएगी, या अंत समय में तेरे को यही आ जाएगी, तो तू फिर दोबारा आएगा नहीं, और जब तक तू नहीं जाता तब तक उसका ज़्यादा ध्यान में करना, नहीं तो बैराग हो जाएगा, क्या कुछ नहीं है दुनिया, और भाग जाग पर छोड़िए, और कर्जा नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, तो तू जो रोटी कर अपनी ईमानदारी से, ईमानदारी से काम मेरे को क्या करता है, तो दुनिया ने सबको आपको भाई बेटों के साथ करता, वो बंदोबस्त करा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी था ना, तो मेरे दोस्त रहेगा नागैर में, नागैर में गया तो जवान सब बीमार हो रही, अवसर दबाऊँ पड़ा मैं, तो कुछ बंदोबस्त नहीं था, मन जा क्या करेगा, गर्म पानी करवाना फर्स्ट क्लास, और बात करी ठेकेदार से, अरे ये माँ वो खाते हैं डिब्बे का, लोग नहीं खाते न सब्जी खा न कोई मांस खा न कुछ और चिकन न फ्रूट खा, तो मेरा ताज़ा मिल सकता है, बोले हाँ इधर काल पड़े और बहुत ज़रूरत है, तो मैं तेरे को सावड़ दिवा दूँ, मेरे पास सावड़ चले पूरे निहाल कर दो, सावड़ दिवा देता हूँ, तो फ्रूट ताज़ा भेज देता हूँ, सब्जियाँ ताज़ा भेज देता हूँ, वो ठीक है, तो मैं पैसे कट दिया उसका इतना पैसे, तो मैं सोचा मैं तो कर नहीं सकता, मैं अपना उद्धारों को बुलाया सबको, तो जैसे थे 5 तो 5 प्लाट थे, कि कोई एंटी टैंक का था, कोई इंजीनियर का था, ऐसे उनको बोला कि देखो भाई तुम अभी अच्छा खाना खाना चाहते हो ना, तो मैं आपको अच्छा खाना खिला दूँ, जिससे आप बीमार नहीं होंगे, ताज़ा मैं डब्बा नहीं खिलाऊँगा, पर उसमें शर्त यह है कि आपने वो राशन जो बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और वो देना पड़ेगा दोनों के लिए, उसमें एक पैसा खाना जहर है, और मैं इसके पास नहीं जाऊँगा, और मैंने कह दिया तब कि इससे जो कुछ चीज़ आई मैं खाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ सुबह दही परांठा ले खाता था, और उन दोनों के लिए कुछ 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 छोड़ा था, इन हमेशा के लिए उसके लिए वो चीज़ बनाता रहता था, तो बात समझा ना, तो मैं जो गया तो वो काम करा, मैंने तेरे को पूरा बता दिया, आज मैं थाने बताया कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार, जो कोई सुन रहे नाम ने व्यापे नहीं सम सार, तो सम सम क्या है, सार क्या है, सम तो आप, सार तो आप हैं, और सम जो आपके सामने आता है, जो देखते हो करते हो सब सम है, और सार आप, तो घर तो घर सार नहीं है, घर तो सम है, आपने बनाया इसको, आपने किया, और आप कौन है ये बोल रही आज चीज़, न तो इसका कोई नाम है, न कोई इसकी शक्ल है, या क्या है, पर जो परमात्मा गुण वो इसमें आप में, ये किरण है और वो सूर्य है,
परमात्मा सूर्य है, ये उसकी किरण काम करती है नीचे, सूर्य नहीं आता वो काम करता, वो ईश्वर वहाँ पर कुछ नहीं करता, वो बस विचार करता खंड भर बन बन जाते विचार में, और बह सकते आप में, आप विचार करते हो मकान मकान बन गया, दुकान दुकान बन गई, जो आप विचार करते हो वो भी बन जाते हैं, तो आपके विचार में शक्ति है। तो मदे बधे तुम गाढ़े बंधना, सब ये बंधन है हमारे, जाति का, बिरादरी का, नाव का, ये कौम का, मकान का, दुकान का, पत्नी का, बेटे का, ये सब बंधन। और सतगुरु बंधन काटना आयरी को कटवाना था, हम एक ही तेरा साथी नहीं है, तेरे कर हम साथ जाएंगे, तू जाएगा तो कोई बेटा जाने को भूजान कोई शेयर नहीं करेगा, तू जब भी नहीं करेगा उसका नहीं बेटा भोगेगा नहीं पत्नी भोगेगी, तू भोगेगा तो तेरे क्या भोगना, जाते भोजा दम मारेंगे दया तेरे, बोल बोल तो बदमा शुक्री वाह, तो बदमा सीने करके वो दम ये कर मारे आ तू होगा अरे छोड़ दे, तो भय देगा उसको, तो भय किसका, तेरे मन का है, विचारूंगा है ये बंधन है उसका, और वो सच मानता है, और ये साधन करने फिर वो सच नहीं मानेगा, इनको सब मानेगा, इसको सबका खेल समझेगा, समझा कि नहीं, कोई बेईमानी समझे को जो करता हो ठीक, और प्रकाश में चला गया दूसरे लोक में चला गया, पूरे जो तक कर्या पाप पुण्य वगैरह सब ही रह गया, वहाँ पर वो लागू नहीं होगा, प्रकाश में जितना कर्म था करा जितना पाप करा सब जला के ज्ञान की अग्नि से भस्म कर दिया, ज्ञान की इसे क्या हुई वो आखिर प्रकाश का ज्ञान हो गया, प्रकाश के लोक में चला गया। जैसे बताता हूँ कि इधर इंडिया में किसी आदमी को मार के तो अमेरिका चले जा, तो अमेरिका में तो पकड़ेंगे नहीं तेरे को, इंडिया के कानून अमेरिका में नहीं लागू होती है, इधर कोई आदमी मार के तो चला गया तो वो नहीं पकड़ेंगे बिल्कुल से, तो उन्होंने मारे नहीं, उनको पता ही नहीं क्या क्या, क्या मारा, क्यों आप तो फंसे, वो ज़्यादा करेंगे तो इंडिया का आदमी इंडिया भेज देंगे वापस अगर चाहेगा तो, समझा नहीं, तो इसी तरह से जो दूसरे लोक में चला जाता था प्रकाश लोक में चलेगा तो सब जितने कर्म थे ज्ञान के द्वारा बसम कर दिए, बस खत्म, इधर जो पाप पुण्य करे खत्म, फिर उसी अवस्था में रहेगा, आई समझ, मुख्य चीज तेरे बता दी कि सम क्या जो तेरे सामना है सार आप है, आगे समझ कुछ बात कुछ तो आगे जी थोड़ी शंका भी हम वो बोल दे और वही काट दे, जैसे आप कहते हो जी कोई सम नहीं बताएगा सार को, चिंता फिक्र डर वह कुछ नहीं लगेगा, तो ये अवस्था आने के लिए शब्द का अनुभव जरूरी है या पहले भी मन इकट्ठा करना शब्द के बाद यार क्या मैं करे, मन इकट्ठा हो जाएगा तेरा तो तू समझेगा उस बात को, नहीं समझेगा नहीं, मन का इकट्ठा करने का नाम तो शांति है, और मन के प्रवृत्तियाँ फैल जाने का नाम शांति है। पंडित जी हमेशा कहता है अपनी अस्थि से ज़्यादा खर्चा मत करो, अगर 100 रुपये हैं तो खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 50 लगा दो, 50 अपने पास रखो तो काम जब मैं यार मिसाल तो दे रहा हूँ तेरे को, 5-10 आदमी जाके दिन में ब्याह करना कोई बात है, कोई ब्याह है कि वो अरे ऐसे का लोग कहते नहीं जी ये तो समाज सुधार कर रहा है कि समाज लूटो मत, कोई कहता पैसे बोल, कोई कहते नहीं यार वो ऐसे ड्रामा कर रहा है, फिर दूसरा कहता है ड्रामा क्या कर रहा है आपकी लड़कियों के लिए तो ऐसे करता है, जो नहीं देता तो देता भी क्या है, क्यों देगा ये, हम देते हैं देते रहे तो ये अपना भी तो नहीं देता अपनी लड़कियों को, अपनी लड़कियों को जोर नहीं डरवाता कदम मैं डाल दूँगा कुड़कड़ी मुरकड़ी जितनी पहले से आपको जरूरत नहीं, तो भूख को कहता तो तेरी लड़कियाँ डाल दे जो लड़की पढ़ती है, ज़्यादा डाल देगा ट्यूटर है कोई उसके ले जाएगा, मास्टर नहीं पढ़ाओगी कहाँ का ट्यूटर बनने फिरेगी वो, अगर उसी देख लेगी तो वो काट देगी, तो क्यों इसको बंद कर फिर भी उसको हो जाएगी, बैंक में और जमा कराओ बैंक का और खर्चा दो, क्यों क्यों कराता है, तो वो समझा दिया मैंने समझा के काम काट दिया, अरे जबान से समझा के काम काट दिया, समझा कि नहीं, वो बंदर जो मुखड़े बैठा ना मुठी पर रखी तो बंदर को वो कह दिया छोड़ यार इसको, संत वाली बात होगी जी, आम दुनिया भी क्या समझे इस चीज़ में, और 20-20 गुट्ठी रखें इसको कहते हैं खूब मोहताज नहीं जेवर की खूबी जिसे खुदा ने दी, मोहताज नहीं जेवर की खूबी जिसे खुदा ने दी, जिसको खूबी है वो अच्छी लगेगी, सेवक अच्छा लगा चाहे कितना जेवर पहन रहा क्या रहे, और तू वैसे लिबड़ा फिरता तेरा कोई नहीं जाएगा, अरे तो कोई जेवर नहीं है सेवक है, तो इसे ये सबसे चीज़ ये है, समझे कि नहीं, तो जहाँ कड़े तहाँ काल है, जिस घर में खड़ा है उसे काल होगा मृत्यु होगी किसी की, और जहाँ लोभ था पाप लोभ है, दूसरे का गला काट के दूसरे देखे वहाँ अपना काम कराते सफल थोड़े होंगे, ये नंबर एक दूसरे का था हमने पैसे दे के कराए तो लोभ है नहीं हो अपना अपने, तो जहाँ लोभ आता है पाप पाप अपने दुख दुख देना दूसरे का गला काट के अपना लगाया तो फले फूले नहीं गा, जहाँ कड़े तहाँ काल है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है मन में कि बेचारे कैसे हो जाए
मंदरा में, इसको दुख ना हो, आपकी जरूरत दया। एक आदमी में तरा तरा करा जो पानी पिला दिया, उठा कौन सा उठा दिया, कोई तेरा मगर तो भला करेगा, जहाँ दया तहाँ धर्म, और जहाँ क्षमा कह चलो इसी गलती के माफ़ करे, हाँ आप वो परमात्मा है तो वो भाव आ जाते हैं आपको, तब क्षमा करते हैं, नहीं करेगा नहीं कोई भी। तो उस दिन बात तो कही थी ना, तो मेरे कई मेरे याद है ना, वो याद रखेगा सब, तो वो तो क्षमा कर दिया कि जहाँ क्षमा तो कोई कोई बात नहीं, गलती कोई नहीं, जहाँ आप परमात्मा ही क्षमा कर सकता है, और कोई क्षमा नहीं कर सकता, समझिए ना बात। तो ऐसा है, और करे कोई सवाल है तो, कोई सवाल नहीं, शाबाश, अच्छा धन्यवाद।